हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि क्या सीजीएल 2021 सीईटी के थ्रू होगा या सीएचएसएल 2021 सीईटी के थ्रू होगा, अगर होगा तो कब होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसके आपको पता चलेगा कि सीएचएसएल के लिए आपको क्या करना है या फिर सीजीएल के लिए आपको क्या करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीईटी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी। अन अकेडमी पर अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों का एक नया बैच हमारा आ चुका है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 1 जुलाई से बैच शुरू है, दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश है जिसमें हम लोग कंप्लीट इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसमें रात में 8 बजे हमारी क्लास होती है। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन पे हमारा कोर्स है जो कि 23 जुलाई से शुरू होगा रात के 8 बजे, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई से शुरू होने वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर के 3 बजे इसमें क्लास होगी। और इसके अलावा डेली फ्री क्लास हमारी शाम के 5 बजे से शुरू हो रही है। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का है जो कि आपको सिर्फ 5850 पे मिल जाएगा, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 7800 का है जो कि आपको 7020 पे मिल जाता है। आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं अलग अलग टीचर्स के, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जुलाई से कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। अभी अन अकेडमी पर ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा जो कि आपको सिर्फ 5850 पे मिल जाएगा आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 7020 में मिल जाएगा और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सीईटी अगर आप एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। 8000 रुपए का 1 साल का और 10000 रुपए का आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप रेफरल कोड AMANT इस्तेमाल करेंगे तो। चलिए बात शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं इसके सीटी के बारे में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो क्योंकि मैं वहां पर आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड रील्स देता रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिए। देखिए ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि एसएससी गवर्नमेंट के द्वारा, आप ये देख सकते हैं mygov.in गवर्नमेंट के द्वारा जब नोटिस जारी की गई थी तो जो भी चीजें थी उसी से मैं आपको यहां पर न्यूज देने वाला हूं, सारी बातें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी कल जितेंद्र जी जो हमारे सिंह जी हैं यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि एग्जाम जो है आपका अर्ली 2022 में होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि जनवरी टू मार्च आपका एग्जाम हो सकता है सीईटी। ठीक है, जिसके बारे में आपके साल के अंत तक आपको ज्यादा जानकारी पता चल जाएगी। अब एक एक करके हम एक एक पहलू पे बात करेंगे और जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात ये करते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो देखिए ये क्या है, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये आपका ये एग्जाम कराएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नई एजेंसी जो बनाई गई है जो कि आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। दे विल बी ट्रांसपेरेंसी एंड ईज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपका ये एग्जाम बनाया जा रहा है। करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अप्लाई फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई मल्टीपल एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग एग्जाम करा रही हैं, आपकी IBPS, SSC और आपका रेलवे की RRB, तो अलग अलग एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, इनको क्लब करने के लिए मिलाने के लिए आपका एक एग्जाम होगा। कैंडिडेट पे रिपीटेटिव फी, आपको बार बार फी देना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है आपको एग्जाम को देने के लिए। NRA will remove these pain points with a common admission test for tier 1 examination for multiple government jobs. तो अलग अलग government jobs के लिए जो ये NRA है इन समस्याओं को दूर करेगा। NRA will reduce burden on candidates as also an respective recruitment agency. NRA आपके ऊपर एक burden भी कम करेगा क्योंकि एक respective recruitment agency होगी और ये समय से exam conduct कराएगी और समय से result देगी, तो उससे आपको benefit रहेगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, ये इनका मकसद है। इट विल रिड्यूस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में समय को कम करेगी।
मिटिगेट्स हार्डशिप फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, जो कि बात हम पहले भी कर चुके हैं. सीईटी टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर्स, 1000 सेंटर्स से ज्यादा पे आपका सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा. एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्जाम सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एग्जाम सेंटर होगा, इंक्लूडिंग द 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बनने वाले हैं उनमें भी एग्जाम होगा, यानी कि हर जगह पर एग्जाम होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स एंड वुमेन, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स को और वुमेन को ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे एग्जाम देने में उन्हें आसानी होगी. ठीक है. NRA puts job seekers at first. Candidates can schedule tests and choose center of their choice. ये होगा, मुझे नहीं पता ये आगे चल के कितना सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इससे करप्शन के चांसेस बढ़ेंगे, चीटिंग वगैरह के चांसेस बढ़ सकते हैं. लेकिन ये चीज इन्होंने, एक नीट पीजी का एग्जाम होता है, जो MBBS करके जो लोग पीजी देते हैं उनको ये देना होता है, तो उसमें उनके पास ये चॉइस होती थी कि आप अपना शेड्यूल टेस्ट कर सकते हैं, इस तारीख को हम देंगे और इस सेंटर पर देंगे, तो उससे भर सकते हैं. लेकिन अभी इसमें ये समस्या आएगी कि शायद आगे चल के करप्शन होगा और उसकी वजह से ये शायद आगे चल के वो रिमूव करें, बट फिलहाल अभी इनका कहना है कि कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर ऑफ दियर चॉइस. ठीक है. आई सीरियसली डाउट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उससे करप्शन बढ़ेगा. Also to facilitate employment generation, CTs course can be shared with central government, state government, UTs, PSUs, private sector. यानी कि अगर आपको सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलने के लिए या अलग अलग जगहों पर नौकरी मिलने के लिए CT के जो स्कोर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज के साथ, UTs के साथ में, PSUs के साथ में और प्राइवेट सेक्टर की एजेंसीज के साथ में शेयर किया जाएगा. Would also help such organizations in saving cost and time spent on recruitment. इससे उनका समय बचेगा और cost भी बचेगा. ठीक है. अब ये basic बातें हो गई हमने जो की हैं. लेकिन अब अगर बात करें कि अगर आप बात करें कि CET का से मिलता जुलता exam हाल में आपने कहाँ देखा है, मैं आपको example देता हूँ. यूपी में अभी हाल में अगस्त में, यानी कि अगस्त में 20 अगस्त को शायद मुझे डेट कन्फर्म नहीं है, PET जो है शेड्यूल्ड है. ये PET क्या है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट. इट इज द रेप्लिका ऑफ CET. जैसे सेंटर में CET होने वाला है, यूपी में वो PET कंडक्ट कराने जा रहे हैं. अब अगर आप PET दे देंगे तो उसके बाद यूपी में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, फिर वो लेखपाल की आए या फिर वो वीडियो की आए या यूपी SSSC से बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं उनकी आए या कोई भी यूपी की कोई भी वैकेंसीज आएगी, तो उसको भरने के लिए आप एलिजिबल ही तब होगे जब आप PET क्वालिफाई कर लोगे. जिसका PET क्वालिफाई नहीं होगा वो आगे जाके लेखपाल का फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो आगे जाके स्टेट गवर्नमेंट के यूपी के जितने भी फॉर्म आते हैं वो नहीं भर पाएंगे. तो यूपी में PET कंडक्ट कराने जा रहे हैं और इट इज द रेप्लिका ऑफ CET, जैसा मैंने बताया. या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीएड या फिर BTC की तैयारी, BTC कर रहे होंगे, वो लोग टेट देते हैं. एक एग्जाम होता है TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये अब यूपी टेट भी होता है या CTET भी होता है. CTET सेंटर कराता है, UPTET स्टेट करवाता है. तो जो लोग CTET या फिर UPTET क्वालिफाई कर लेते हैं, वही लोग, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है, तो वही लोग सुपर टेट में बैठते हैं जो लोगों ने UPTET या फिर CTET क्वालिफाई कर रखा है. जिन्होंने CTET या फिर UPTET क्वालिफाई नहीं किया है वो सुपर टेट में नहीं एलिजिबल होते हैं. तो ये CET एक तरीके से आपका सिर्फ यही करने वाला है. ठीक. एक एक मुद्दे पर बात करते हैं. अगर हम बात करें कि कितनी बार आपका ये एग्जाम होगा, तो साल में 2 बार आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. एग्जाम मोड एंड सेंटर कब होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका ये, जैसा हमने बात करी, 1000 सेंटर्स में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा. ठीक है. वैलिडिटी एंड चांसेस की बात करें तो स्कोर जो है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा. अगर एक बार आपने CET क्वालिफाई कर लिया तो अगले 3 साल तक आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर बेटर स्कोर्स लोग देंगे. ठीक है. और अनलिमिटेड चांसेस हैं, चांसेस की कोई दिक्कत नहीं है. कई लोगों ने पूछा था कि क्या लिमिटेड चांसेस होंगे, कितने चांसेस 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं होगा. स्कोर एक जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और अनलिमिटेड चांसेस होने वाले हैं आपके वैलिडिटी के. ठीक. अच्छा, एक चीज और बात करें कि टाइप्स ऑफ CET. कई लोगों ने पूछा कि CHSL के लिए सर क्या CET देना होगा या नहीं देना होगा.
तो देखिए तीन तरीके के सीईटी होंगे, मैं आपको इसमें दिखाता हूं। यहां पर ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख सकते हैं। सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्टेड फॉर थ्री लेवल्स, अलग अलग तीन लेवल्स के लिए सेपरेट सीईटी कंडक्ट होने वाला है। ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग सीईटी होगा, ट्वेल्थ लेवल के लिए अलग सीईटी होगा, मैट्रिकुलेट लेवल के लिए अलग सीईटी होगा। फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सीईटी शैल रिप्लेस द टीयर वन एग्जाम हेल्ड बाई एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। यानी कि आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी के टीयर वन के एग्जाम को ये रिप्लेस करेगा। सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बी और सी पोस्ट के लिए ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सीईटी जो है वो तीन अलग अलग लेवल पे होगा। ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी अलग होगा, ट्वेल्थ लेवल का सीईटी अलग होगा और टेंथ लेवल का सीईटी अलग होगा। एक ही सीईटी तीनों को नहीं देना होगा, क्योंकि एक ही सीईटी तीनों को दे देंगे तो फिर वही बात ही क्या बची, जो ग्रेजुएट लेवल है उसका लेवल अलग होगा, ट्वेल्थ लेवल का सीईटी अलग होगा और टेंथ लेवल का सीईटी अलग होगा। तो तीन अलग अलग सीईटी होंगे। जिसने ग्रेजुएट लेवल का सीईटी क्वालिफाई कर लिया वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट जैसे सीजीएल के लिए एलिजिबल हो जाएगा, आईबीपीएस में क्लर्क और पीओ के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जिसने ट्वेल्थ लेवल के लिए क्वालिफाई कर लिया वो एसएससी में सीएचएसएल लेवल के लिए हो जाएगा और बाकी संस्थाओं में जो भी ट्वेल्थ लेवल की पोस्ट होंगी उनके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और जिसने टेंथ लेवल का क्वालिफाई कर लिया वो एसएससी में एमटीएस के लिए एलिजिबल हो जाएगा और बाकी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि एक ही सीईटी सभी को देना होगा, अलग अलग सीईटी होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के, ट्वेल्थ लेवल के और टेंथ लेवल के। ठीक, बात करें कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि चेंज क्या होगा, क्या बदलेगा सीईटी से। ठीक है, देखो बदलने कुछ खास नहीं वाला है जितना मुझे अभी तक समझ में आया। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बट नॉट मच इज गोइंग टू बी चेंज। क्यों? देखिए अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए ये चार लड़के हैं, तीन लड़के हैं। ठीक है, मान लो इन तीन लड़कों ने तैयारी शुरू की, इन्होंने कहा कि हमें एसएससी की तैयारी करनी है। तो ये क्या किए, ये तीनों लड़के एसएससी के दरवाजे पे गए। एसएससी का मान लीजिए सब सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो सीजीएल का फॉर्म भरा, उसका टीयर वन क्वालिफाई किया और उसके बाद टीयर टू क्वालिफाई किया, टीयर थ्री क्वालिफाई किया, टीयर फोर क्वालिफाई किया और ज्वाइनिंग की। अगर यही तीन लड़के बैंकिंग की तैयारी करने आ रहे हैं तो क्या करेंगे, बैंकिंग का फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए इसमें नहीं हो रहा, अभी बैंक ट्राई करना चाहते हो तो बैंक का अलग फॉर्म भरेंगे, फिर बैंक में आपका टीयर वन देंगे और टीयर टू देंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग लेंगे। सेम चीज आ जाती है रेलवे में, अगर मान लो इनको रेलवे करना है तो फिर ये रेलवे में जाएंगे और रेलवे में टीयर वन देंगे, टीयर टू देंगे और फिर ज्वाइनिंग लेंगे। अब सीईटी क्या करेगा, कहेगा कि अब आप अलग अलग मत जाइए, यही तीन लड़के यहां पर आएंगे और एक बार पहले सीईटी देंगे। अगर इनमें से सभी ने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, अगर ये क्वालिफाई कर लिया तो आप, अब आपके ऊपर है कि आप रेलवे का जब एसएससी का फॉर्म आएगा तो एसएससी का फॉर्म भर दीजिए, आपके पास बैंक का फॉर्म आएगा तो आप बैंक का फॉर्म भर दीजिए, रेलवे का फॉर्म आएगा तो रेलवे का फॉर्म भर दीजिए। तो बस ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीईटी शैल रिप्लेस टीयर वन एग्जाम, ये टीयर टू को नहीं बदलेगा, टीयर वन को बदलने वाला है सिर्फ। ठीक, टीयर वन को रिप्लेस करेगा, बाकी जो एसएससी का टीयर टू है वो एज इट इज रहेगा, एसएससी का जो टीयर थ्री है वो एज इट इज रहेगा, सीपीटी डीएसटी है वो एज इट इज रहेगा। सेम कम्स फॉर सीएचएसएल, सीएचएसएल का टीयर वन जो है वो सीईटी से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जो सीएचएसएल का टीयर टू है वो एज इट इज रहेगा। सेम कम्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, जो सीईटी का जो इनका टीयर वन है आईबीपीएस क्लर्क या पीओ का वो तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जो टीयर टू है वो एज इट इज रहेगा। एंड सेम गोज फॉर रेलवे एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इट विल ओनली रिप्लेस टीयर वन एग्जामिनेशन। और देखिए ऐसा है कि मान लीजिए 200 नंबर का पेपर होता है और आपके सीईटी में आते हैं 160 नंबर। ठीक, तो अगर एसएससी ने कट ऑफ जारी की और कहा कि हमारी कट ऑफ है 150, तो आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एसएससी ने अगर कट ऑफ जारी की और कहा हमारी कट ऑफ है 170, तो आप एसएससी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो वो कट ऑफ जारी करेंगे अलग अलग संस्थाएं और उसके आधार पे वो टीयर टू के लिए कॉल करेंगे।
समझ गए, और उसके बाद आपको उनका फॉर्म भरना होगा और उसके बाद देना होगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ जो टीयर वन है उसका तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, उसका तो प्रोसेस टाइम से होगा, लेकिन बाकी के टीयर्स तो एसएससी ही कंडक्ट कराएगी जैसे पहले करा रही थी। तो देयर इज नॉट मच गोइंग टू बी चेंज्ड, बहुत कुछ खास बदलने वाला नहीं है, एटलीस्ट इन केस ऑफ एसएससी, क्योंकि टीयर टू एसएससी कराएगी, टीयर थ्री एसएससी ही कराएगी। हाँ, क्योंकि अब उनके पास उनको छठे छठाए लड़के मिल जाएंगे तो टीयर वन नहीं कराना पड़ेगा, उसमें उनका थोड़ा सा समय बच जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि सिलेबस क्या होने वाला है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये एग्जाम एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए होने वाला है, राइट? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो एमबीए के लिए होता है, अगर दुनिया में किसी कॉलेज से एमबीए करना है तो वो होता है जीमैट, ठीक है। इंडिया में उसी तर्ज पे होता है कैट, कैट के जैट, मैट, सैट, बहुत सारे कैट एमबीए के लिए इंडिया में होते हैं एग्जाम। ये सब के सब क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट कि जब जीमैट जो दुनिया के लेवल पे होता है उसमें भी एप्टीट्यूड में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ही आते हैं, एंड वही चीज आपकी कैट में भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग आता है। एसएससी में हमारे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आता है, ठीक है। बैंकिंग में भी चारों सब्जेक्ट आते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। तो जो सिलेबस है दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज वेरी वास्टली, बहुत कुछ खास नहीं बदल जाएगा कि एकदम ऐसा नहीं हो जाएगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा, कैलकुलस आने लग जाएगी आपके एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोर और लेस सिलेबस जो है वो एसएससी और बैंक जैसा ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा वो हमें अभी नहीं पता है, वो जब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, सैंपल पेपर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। बाकी सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, सिलेबस मोर और लेस ज्यादातर सेम ही रहेगा, कोई खास बदलाव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वैसे ही करते रहिए, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप वैसे ही करते रहिए, और अगर आप रेलवे की, सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी पढ़िए, जिससे कि अगर मान लीजिए सीईटी में इंग्लिश आती है तो आप एकदम न्यू भी नहीं हो, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ 3 महीने में आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि हाईली लाइकली है कि सीईटी में इंग्लिश भी आएगी, इसलिए आप इंग्लिश भी पढ़िए। बाकी बैंक और एसएससी वाले बच्चे, जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करिए, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक। इसके अलावा ये आखिरी नोटिस हमने नहीं देखी थी, इसको देख लेते हैं। एनआरआई टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साल में 2 बार होगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और ये सब चीजें ऑनलाइन होंगी, ठीक है। बल्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी, बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन आउट किया जाएगा। मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर, मीडियम ऑफ जो एग्जाम है वो आपका मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इनका कहने का मतलब है कि करीब, जैसे अभी एसएससी का टीयर वन होता है तो 25 लाख लोगों का एग्जाम एसएससी को कराना पड़ जाता है, फिर वो एसएससी उनके कॉपी जांच रही है और उससे रिजल्ट बना रही है, तो एसएससी का काम बढ़ जाता है, वो चीजें नहीं होंगी। तो ये तो बेनिफिट मिलेगा हमें कि अब एसएससी को मान लीजिए टीयर टू के लिए बच्चे बुलाने हैं तो वो डायरेक्ट जो 1 लाख या 1.5 लाख बुलाते हैं वो वैसे के वैसे 1 या 2 लाख बुलाएंगे, और एसएससी को सिर्फ 1 या 2 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, और उन्हें, कहने का मतलब उनकी जो रेस है वो रेस ही टीयर टू से शुरू होगी ना, उनका काम ही टीयर टू से शुरू होगा, टीयर वन का सारा काम उनका खत्म हो गया, तो उनपे बर्डन कम होगा तो शायद वो काम थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे, ये थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिलेगा। फिलहाल अभी आपके लिए ये टाल दिया गया है, अर्ली 2022 में कहा गया है। तो अब अगर बात करते हैं कि क्या आपके, अच्छा ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टीयर वन सिर्फ टीयर वन को रिप्लेस करेगा, बाकी के टीयर्स आपके एज इट इज होने वाले हैं। अब अगर ये बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एज इट इज करिए, चाहे आप सीजीएल की कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की कर रहे हो, आप एज इट इज करते रहिए। इसी प्रकार अगर आप आईबीपीएस की या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप क्लर्क की कर रहे हैं, चाहे पीओ की कर रहे हैं,
एज इट इज करते रहिए, और अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इंग्लिश को भी थोड़ी बहुत तवज्जो दीजिए और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी पढ़िए। ठीक, अब बात करें CHSL 2021 वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपका जो CHSL 2020 अभी आपका चल रहा है, ठीक है, CHSL 2020 आपका अगस्त 1 अगस्त से कंडक्ट होने वाला है, बाकी का जो टीयर बचेगा वो, आपका जो फॉर्म है वो आता है आपका नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, चाहे CHSL 2021 हो या CGL 2021 हो, CGL 2021 का जो फॉर्म है वो आया था आपका दिसंबर में पिछले साल 2020 में। तो अगर इस साल इस बार भी दिसंबर तक ही आएगा, क्योंकि अभी अगस्त में वो टीयर वन कंडक्ट कराएंगे, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो नवंबर दिसंबर तक वो टीयर टू कंडक्ट करा लेंगे, और तब तक वो शायद CGL 2021 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर CHSL या फिर CGL की नोटिफिकेशन CET से पहले पहले आ जाती है तो फिर आपका ये बिना CET के होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अब इनकी नोटिफिकेशन जनवरी में फरवरी में आती है और CET भी तब तक के लिए आ ही जाता है तो फिर नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, मेरा जितना अभी तक हाइपोथेसिस कहता है, आप में से, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में मुझ पे भड़कने वाले हैं, तो आप भड़क लीजिए, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना होगा कि जब भी आप बात करें तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी लॉजिक लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग इलॉजिकली कुछ भी बोलते हैं। तो मेरा सिंपल सा ये सजेशन होगा कि मुझे जहाँ तक समझ में आता है, CHSL 2021 हो या फिर CGL 2021 हो, दोनों में ही CET का कोई रोल नहीं रहने वाला है। ठीक, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CET जो है वो 2022 में कंडक्ट होगा, और ये कहा गया है कि अर्ली 2022 तक बात होगी। अर्ली 2022 कितना भी जल्दी करेंगे तो ये फरवरी मार्च से पहले कभी नहीं हो पाएगा। फरवरी मार्च तक अगर होता है तो उसके बाद वाले एग्जाम के लिए होगा ना, उसके बाद जो एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी उनके लिए CET एप्लीकेबल होगा, लेकिन इनकी नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट उनके पहले ही आ जाएगी। तो इसलिए इन एग्जाम्स पे CET का लागू होना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर होता है तो वो सभी के लिए होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि देखिए, मैं जितना मेरा हाइपोथेसिस कहता है वो ये कहता है कि 70-80% चांसेस नहीं है कि CET CHSL 2021 या CGL 2021 पे लागू हो, लेकिन अगर हो जाता है तो हमारे लिए कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि CET फिर वो सबके लिए होगा। सिलेबस मैंने आपसे पहले ही कहा, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप वैसे ही जारी रखिए, आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ही जारी रखिए, आप MTS की तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही जारी रखिए, क्योंकि जब तक सिलेबस के बारे में कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है हम कुछ खास नहीं कर सकते। तो आप अपनी तैयारी को एज इट इज रखिए। अगर CET मान लीजिए CHSL या CGL पे भी लागू होता है, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, तो आप CET के लिए तैयार करने लगेंगे, आखिरी के 2-3 महीने बचेंगे उसमें, और अगर नहीं होता है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही होगा कि जस्ट प्रिपेयर एज यू आर प्रिपेयरिंग। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो CGL की करिए, CHSL की कर रहे हैं तो CHSL की करिए, आप CET के बारे में अभी चिंता मत करिए जब तक कि कोई बहुत क्लैरिटी नहीं आती है। जैसा मैंने कहा, अगर सिलेबस आएगा भी तो वो बहुत ही सिमिलर होगा SSC का, जितना मुझे अभी तक समझ आता है वो यही कि SSC से सिलेबस सिमिलर होने वाला है, SSC से बहुत अलग नहीं होगा सिलेबस। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि नया एग्जाम होगा, SSC में हमारे पास ये एज होती है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के कर लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, नया एग्जाम होगा नए तरीके से होगा। बाकी CHSL वाले बच्चे या CGL वाले बच्चे, कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि CET आपके एग्जाम पे लागू हो 21 वालों में, और इन केस अगर होता है तो आप CET के लिए पेपर दे लेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ जितनी बात बताई सभी को समझ में आई होगी। अगर आप में से किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है और अगर आपको डिस्काउंट रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बात से कह सकते हैं और सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे, एंड अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।